हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 23 ज्योग्राफी सीरीज़ का। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल या फिर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। ये जो कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलता है। उसका कारण ये है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हैं, चौड़े हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमें ये चीज़ नहीं मिलती। अगर हम पोल्स की डायरेक्शन में जाएँ तो ये मर्ज हो जाते हैं आर्कटिक टुंड्रा में, और साउथ की डायरेक्शन में जाएँ तो जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कम सिवियर हो जाता है और जाके मिलता है स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर। जो प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन है साइबेरियन या फिर सर्ब आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट की, वो है एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट। ये एक बहुत ही बड़ी और कॉन्टिन्यूस बेल्ट है जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप और एशिया में हमें देखने को मिलती है। जो सबसे बड़ा बैंड है कॉनिफरस फॉरेस्ट का वो है टेगा, जो कि साइबेरिया में देखने को मिलता है। और यूरोप के जो हिस्से हैं जहाँ ये देखने को मिलता है वो है नॉर्दर्न यूरोप, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये जो सर्ब आर्कटिक बेल्ट है ये फैली हुई है अलास्का से लेकर पूरे कैनेडा में लैब्राडोर तक, और साउथ में ये रॉकी माउंटेन्स में भी पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। जो विंटर्स होती हैं यहाँ पे वो बहुत ही ठंडी होती हैं और लंबी होती हैं, और जो समर होती है वो बहुत छोटी होती है। जो विंटर के महीने होते हैं वो मोस्टली फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहते हैं। जो दो स्टेशंस हैं जिनको हम देखेंगे वो है मॉस्को, जो कि कॉन्टिनेंटल यूरोप में है, और चर्चिल, जो कि नॉर्दर्न कनाडा में है हडसन बे के पास। जो मॉस्को के अंदर सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी में, तब टेम्परेचर हमारा -11 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और जो सबसे गर्म महीना होता है तब टेम्परेचर 18-19 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब अगर इसको चर्चिल से कंपेयर करें तो वहाँ पे जो सबसे ठंडा महीना है वो -28-29 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और सबसे गर्म महीना 12-13 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो एनुअल रेंज यहाँ पे और भी ज़्यादा है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस की। अब क्योंकि इतनी ठंड होती है तो इसलिए हैवी स्नोफॉल तो एक्सपेक्टेड ही है। बर्फ हमें अगस्त और सितंबर में ही देखने को मिलने शुरू हो जाती है, जबकि लेक्स और जो पॉन्ड्स हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं। रशिया के अंदर रिवर्स जो हैं वो ज़्यादातर फ्रोजन ही मिलती हैं, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाते हैं ये जो नदियों का जमना है और कितने दिन तक ये नदियाँ जमी रहती हैं साल में, ये भी बढ़ता चला जाता है। एक आम साल में वोल्गा जो है वो बर्फ़ से ढकी रहती है लगभग 150 दिन तक, और कुछ नॉर्थ की नदियाँ तो 210 दिन तक भी जमी रहती हैं। कई बार नॉर्थ में पोलर विंड्स होती हैं, ब्लिजर्ड्स जो कि कनाडा में होती हैं, और बुरान जो यूरेशिया में होती हैं, वो बहुत तेजी से बहती हैं। जो बर्फ है वो विजिबिलिटी को भी गिरा देती है, और यहाँ पे कंडीशंस इंसानों के रहने के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है। अब बात करते हैं यहाँ की प्रेसिपिटेशन की। यूरेशिया के जो अंदर के इलाके हैं वहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस तो इतना होता नहीं है। जो एक साल में बारिश है वो हमें 15-25 इंच की देखने को मिल जाती है सब आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट में। प्रेसिपिटेशन जो है वो पूरे साल ही होती है, समर में थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर मॉस्को की बात करें तो यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो 21 इंच की होती है, और रेनफॉल जो है वो गर्म महीनों में थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि जून से सितंबर। ऐसा कोई महीना नहीं है जब मॉइस्चर ना हो। अब अगर टेम्परेचर बहुत कम है, इवेपोरेशन इतना होता नहीं है, ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई होती है, तो ऐसे में थोड़ी सी भी जो बारिश है, मॉइस्चर है, वो ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए काफ़ी होता है। कॉनिफर्स जिन्हें कि कम पानी चाहिए होता है वो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। चर्चिल की अगर बात करें तो वहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन सिर्फ 16 इंच की होती है, और यहाँ भी समर में ज़्यादा होती है। कितनी प्रेसिपिटेशन होगी ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि ऑल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, पोल्स के कितने पास है वो जगह, वेस्टर्लीज का कितना इन्फ्लुएंस है अगर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट की बात करें, टेम्परेट मानसून का कितना इफेक्ट है अगर ईस्टर्न पार्ट्स की बात करें, और साइक्लोन्स का कितना इफेक्ट है। यूरोप के हिस्सों में तो एनुअल प्रेसिपिटेशन 20 इंच से ज़्यादा देखने को मिल जाती है वेस्टर्लीज के कारण और कुछ पीरियोडिक साइक्लोन्स के कारण, और अगर ईस्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ भी 20 इंच तक की बारिश देखने को मिल जाती है साउथ ईस्ट मानसून के कारण, जो कि पैसिफिक ओशन से आते हैं। सेंट्रल साइबेरिया और कनाडा के अंदर लगभग 15 इंच की बारिश होती है, ये कम होती है कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण, क्योंकि सी का इन्फ्लुएंस इतनी अंदर तक नहीं पहुंच पाता। अब बात करते हैं यहाँ की स्नो की, क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्नो जो है वो रशिया में लगभग सब जगह होती है। कितनी बर्फ होगी ये वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। नॉर्दर्न टुंड्रा और साइबेरियन टेगा में ये सबसे ज्यादा होती है, जहाँ की कई फीट की बर्फ हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि बर्फ जो है वो परमानेंट नहीं होती, क्योंकि गर्मियों के अंदर ये पिघल जाती है। जो जमी हुई नदियां होती हैं वो पिघलती हैं और पानी का लेवल बढ़ता है, और कई बार बाढ़ भी आ जाती है। बर्फ का होना हमेशा नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि बर्फ जो है वो एक पुअर कंडक्टर होती है हीट का, और इसके कारण जो नीचे की जमीन है वो बच जाती है एक्सट्रीम टेम्परेचर
टेम्परेचर से, और बर्फ जो है वो मॉइस्चर भी होल्ड करती है, तो नीचे की जमीन को मॉइस्चर भी मिलता है और वहाँ वेजिटेशन हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। जैसा कि हमने पहले बात की, कॉनिफर्स ऐसे ट्रीज हैं जो यहाँ आपके लिए वेल सुटेड होते हैं, और ये एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं सॉफ्ट वुड का, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, मैचेस, पेपर और पल्प, रेयन और कई दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये इलाके दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्ट वुड के प्रोड्यूसर हैं। चार मेजर स्पीसीज हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के, वो हैं पाइन, जिनका एग्जांपल है वाइट पाइन, रेड पाइन, स्कॉट पाइन, जैक पाइन वगैरह। दूसरा है फर, जिसका एग्जांपल है डगलस फर, बेल्जियम फर। तीसरा है स्प्रूस और चौथा है लार। अब बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट की थोड़ी डिटेल में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं ये मॉडरेट डेंसिटी के होते हैं, ये काफी यूनिफॉर्म होते हैं और जो पेड़ होते हैं वो काफी लंबे और सीधे होते हैं, जिनकी हाइट 100 फीट तक की होती है। कॉनिफेरस जो हैं वो ज्यादातर एवरग्रीन होते हैं। अब क्योंकि टेम्परेचर इतना कम होता है तो एवरग्रीन रहने में ही फायदा है। कॉनिफर्स की जो साइकिल होती है वो 2 साल की होती है। 1 साल में पहले सीड्स जो हैं वो पॉलिनेट होते हैं और फिर दूसरे साल में वो डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। सालाना पत्तों का बदलना यहाँ नहीं होता, सेम ही पत्ते जो हैं पेड़ के ऊपर लगे रह सकते हैं 5 साल तक। जो बार्क होती है वो काफ़ी मोटी होती है और प्रोटेक्ट करती है ठंड से। इनकी शेप जो है वो कॉनिकल होती है, ऐसा इसलिए है ताकि बर्फ जो है वो इनके ऊपर जमा ना हो सके, अदरवाइज ब्रांचेज जो है वो टूट जाएंगी। पत्ते जो है वो छोटे, मोटे, लेदरी और नीडल शेप्ड होते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। जो पेड़ों के नीचे का जमीन का इलाका है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पत्ते झड़ते नहीं है तो ह्यूमस मिलता नहीं है और टेम्परेचर कम होने के कारण इतनी जल्दी डिकम्पोजिशन भी नहीं होती और फिर डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती, तो इन सब कारणों से नीचे इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। इन जगहों के अलावा भी जहाँ पर ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है वहां पर भी हमें कॉनिफर देखने को मिल जाते हैं पूरी दुनिया में। अब बात करते हैं यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण बहुत ज्यादा डेवलपमेंट तो यहाँ नहीं है, एग्रीकल्चर भी बहुत कम ही होता है। दो मेजर एक्टिविटीज जो यहाँ होती हैं वो है लम्बरिंग और ट्रैपिंग। इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं ट्रैपिंग की। जो फर वाले जानवर है वो कैनेडा और यूरेशिया में पाए जाते हैं ठंड के कारण, और ठंड जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा फर की क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसलिए कनाडा में ट्रैपर्स और हंटर्स जो हैं वो फर के लिए इन जानवरों का शिकार करते हैं। यहाँ पे मस्करेट, अर्मीन, मिंग, सिल्वर फॉक्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर वाले जानवर हैं। फर की एक रेगुलर सप्लाई बनी रहे इसके लिए फर फार्म्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं कनाडा में। सिल्वर फॉक्स और अर्मीन जैसे जानवर जो हैं उन्हें रखा जाता है और फिर उनकी फर को निकाला जाता है। इनका काफ़ी अच्छा खासा दाम मिलता है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम जैसी मार्केट्स में। साइबेरिया में भी फर वाले जानवरों को पकड़ा जाता है, जैसे कि स्क्विरल्स, ऑटर्स, बियर्स, सेबल्स वगैरह। और कनाडा की तरह यहाँ भी फर फार्मिंग जो है वो अब ज्यादा की जाती है बजाय शिकार के। अब बात करते हैं लम्बरिंग की। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का, क्योंकि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं वो इतने ज्यादा हैं, वो इतना बड़ा सोर्स है वुड का, और बाकी एक्टिविटीज यहाँ इतनी ज्यादा होती नहीं है। पेड़ों को कई कारणों से गिराया जाता है, जैसे कि सॉ मिलिंग, इसमें लॉग्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है सॉ टिम्बर में, प्लाईवुड में, प्लैंक्स, हार्डबोर्ड या फिर किसी अदर तरह की वुड की फॉर्म में। दूसरा है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, जो टिम्बर है उसको केमिकल्स और दूसरे मैकेनिकल मेथड से वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है और जिसका इस्तेमाल होता है पेपर मेकिंग में, न्यूज प्रिंट में। तीसरा है फ्यूल। हालांकि सॉफ्ट वुड को फ्यूल की तरह इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके दूसरे जो इस्तेमाल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर फिर भी थोड़ा इस्तेमाल फ्यूल की तरह भी होता है। चौथा है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। कई तरह की इंडस्ट्रीज में ये रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैच इंडस्ट्री, फर्नीचर, पैकेजिंग, टॉयज वगैरह। पाइन, स्प्रूस और फर जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं कॉनिफर्स के नॉर्दर्न फॉरेस्ट में। और अगर थोड़े से गर्म साउथ की बात करें तो वहाँ पे लार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हैं इकट्ठे पाए जाते हैं ग्रुप्स में, ना कि मिक्सचर की फॉर्म में, और इसका फायदा होता है लम्बरिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि फिर पेड़ों को काटना आसान हो जाता है। लम्बरिंग जो है वो ज्यादातर सर्दियों के मौसम में की जाती है, जब जमीन पर बर्फ जमी होती है तो लॉगिंग थोड़ी आसान हो जाती है, और फिर लॉग्स को जमी हुई नदियों के ऊपर रख दिया जाता है, और जब ये नदियां पिघलती हैं तो ये लॉग्स बहकर डाउनस्ट्रीम आ जाते हैं। इस कारण कनाडा और स्वीडन में जो लम्बरिंग इंडस्ट्री है वो काफी डेवलप हुई है, पर साइबेरिया में जो है नदियां वो पोल की डायरेक्शन में बहती हैं और साल के ज्यादातर दिन जमी रहती हैं, इसलिए वहाँ ये मेथड इतना यूज नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ सॉ मिल्स जो हैं वो कम है। माउंटेन्स के अंदर सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है, जो कि सॉ मिल्स को चलाने के काम आती है। ऐसा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अपलैंड्स में देखने को मिलता है, और इससे लम्बरिंग इंडस्ट्री को मदद मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।